मन की बात में जल संचय की बात कही है, लेकिन ये जल संचय होगा कैसे, आप और हम इसके लिए कर क्या रहे हैं, ये भी एक सवाल है। मगर हाँ, यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू शर्मा देश को सिखा रहे हैं कि कैसे जल संचय किया जाए। रिंकू शर्मा ने शुरुआत अपने गांव से की और तालाब खुदवाया और पानी को बचाने का संदेश दिया, और अब दूसरे गाँव के लोग भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 8-9 वर्ष पहले ये हमने पहल शुरू की। पानी का जल स्तर लगातार घटता जा रहा था। एक दिन नल हमारा था घर वाला, उस पानी छोड़ गया तो उसमें पाइप काफ़ी बढ़वाना पड़ा, तो बड़े चिंतित थे, ऐसी विचार कर रहे थे परिवार में। तो जल संचय के बारे में हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, तो धीरे धीरे पहले हमने एक पहल की, एक तालाब खुदवाया, उसमें बारिश का पानी संचय हो जाता था, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे फिर काफ़ी हमने शुरुआत की, तो अपने भी काफ़ी तालाब बढ़ते गए, तो उसका बराबर में वाटर लेवल भी बढ़ा खेती क्यारी में, और ट्यूबवेलों में जो पानी कमाने लगा था उसकी भी अपने और पास जहाँ जहाँ तालाब खुदवाए हैं उससे वाटर लेवल काफ़ी बढ़ा है। हमारे गांव में 5-6 साल से बहुत ही सूखा है, सूखा थी, और ये रिंकू शर्मा हैं, इन्होंने यहाँ पर जगह जगह तालाब खुदवाए हैं, और मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे अब बहुत कुछ सही है, मतलब पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और बहुत ही अच्छे इनसे आदमी जुड़े हुए हैं, इसीलिए काम अच्छा है इनका, रिंकू शर्मा का। नहीं, हमारे गांव में बहुत वो थी, 3-4 साल पहले इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है। डार्क जोन में हमारा चंडोस ब्लॉक आ गया था, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, यहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गया। रिंकू शर्मा, हम मुझको पता चला कि रिंकू शर्मा जी बड़ी अच्छी पहल एक लेकर के आए हैं, जिससे गांव-गांव तालाब खुदवा रहे हैं, जिससे पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो हमने रिंकू शर्मा जी से कांटेक्ट किया और अपने निजी ज़मीन में उनके सहयोग से तालाब खुदवाया, जिससे हमें बहुत अच्छा लगा और पानी का स्तर भी यहाँ बढ़ा है।